वो ये व्हाइट वाले छोले हैं फ्रेंड्स, ये मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगो लिए थे, अभी मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। कुछ मैंने यहाँ पे लिए हैं खड़े मसाले और थोड़ा सा नमक। तो अभी इसे काला करने के लिए हमें डालने हैं ये अनार का छिलका। तो आप देख सकते हो सिर्फ मैं इतना सा ही छिलका डालूंगी इसके अंदर और सीटी लगा देंगे इसमें। तो मैंने ये बारीक बारीक काट के 4 प्याज मैंने मीडियम साइज के ब्राउन कर लिए और साथ में अदरक ले लिया था। अभी ले लिया मैंने 4 टमाटर। इस मसाले को भून लेंगे बढ़िया से। तो अब डाल देंगे इसमें हरी मिर्च कटी हुई। तो छोले का मसाला हम इस तरीके से बनाते हैं तो छोले हमारे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो एक तरफ हमारा मसाला बन रहा है तो दूसरी तरफ आप देख सकते हो मैंने 5 से 6 सीटी इसमें लगा ली थी और बिल्कुल ही बढ़िया से घुट गए हैं छोले हमारे। तो घुटे घुटे छोले हैं हमारे ये। तो मसाला हमारा बहुत बढ़िया से भून गया है, देख सकते हो कितना बढ़िया इसमें कलर आ रहा है। तो इसमें डाल देंगे हम ये थोड़ी सी हींग। तो हींग डाल के इसको 2 मिनट भूनेंगे और सारे मसाले डाल देंगे। तो मसाले में हम डाल रहे हैं यहाँ पे ये 1.5 चम्मच में डाल दूंगी धनिया पाउडर और इसमें हल्दी का यूज नहीं करेंगे हम, और 1.5 चम्मच डाल दूंगी मैं लाल मिर्च पाउडर। तो आप टेस्ट के अनुसार इसको डाल सकते हो। और 1/2 चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ काला नमक। तो नमक हमने पहले भी छोले में डाला हुआ है तो उस हिसाब से लें। तो काला नमक डालने से जो है इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसी में हम मसाले के साथ डाल देंगे ये इमली का घोल। तो ये इमली का पल्प है 3 से 4 चम्मच। इमली का पानी डालने से जो है छोले हमारे बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और साथ साथ डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो छोले का मसाला बहुत ही मस्त रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। तो एक तरफ जो हमने छोले बॉईल करके रखे हैं ना, ये छोले ले लेते हैं मैं। 1 से 2 कच्ची जो है छोले ले लूंगी, इसमें ही डाल दूंगी इसको। हल्का सा हमने जो है 2 कच्ची छोले लेने और कच्ची की मदद से मैश कर लेना है ताकि जो छोले हमारे घुटे घुटे तरी में गाढ़ी गाढ़ी तरी हो जाएगी। तो बीच में हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। कस्तूरी मेथी से भी बढ़िया स्वाद आता है छोले के अंदर। तो अब हम कस्तूरी मेथी और छोले को जो हमने मैश किया है ना, इसको साथ साथ भूनेंगे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं थोड़ी देर के लिए। तो आप देख सकते हो जो छोले का मसाला बहुत ही खुशबूदार पक के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे बाकी छोले। तो आप जितनी की इसमें ग्रेवी रखना चाहें आप उतनी रख सकते हो। तो इस तरीके के छोले हैं ये फ्रेंड्स। तो इसको हमने तेज गैस पे ना 5-7 मिनट के लिए रजाना है ताकि जो ये तरी दिख रही है ना आपको हल्की सी पतली, ये जो है थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये इस तरीके के छोले हैं। चाहे तो आप इसको भटूरे के साथ खा सकते हैं, चाहे तो पूड़ी के साथ, और छोले चावल तो उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हम तो इसको छोले जो बनाए ना मैंने आज, ये हम खाने वाले हैं चावलों के साथ। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए पका लूंगी। तो छोले हमारे बॉईल होने लगे हैं, बहुत बढ़िया से गाढ़े गाढ़े हो गए। अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया, काफी सारा डालेंगे। तो देख सकते हो इसकी शक्ल जो है कितनी बढ़िया डिफरेंट जो है, बहुत अच्छी लग रही है फ्रेंड्स। ये छोले बनके हमारे बिल्कुल रेडी हैं टेस्टी टेस्टी से। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में।